नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने निगम की टीम द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत मटन मार्केट में 2 अतिक्रमणकारियों की दुकान को ढहाकर कब्जा मुक्त कराया गया। निगम आयुक्त तो शहर को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के साथ ही स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की दिशा में प्रयासरत है व इसके लिए वे निगम की गठित बेदखली टीम को निर्देश दे रखे हैं। साथ ही आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी अतिक्रमण की शिकायत आती है तो उसका निरीक्षण कर वास्तविकता का पता लगाएं और जल्द बेदखली की कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में निगम के तोड़ू दस्ते ने जोन 3 अंतर्गत कैंप 2 सितला कॉम्प्लेक्स के पास मटन मार्केट में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दी। वहां के व्यवसायियों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोग द्वारा मटन मार्केट में बाजार के अतिरिक्त खाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है और दुकान का निर्माण कर मांस विक्रय किया जा रहा है। मार्केट में अतिक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय से लगभग 10x8 की 2 दुकानें बनाकर मांस बेचा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जोन 3 आयुक्त येशा लहरे के दिशा निर्देश में निगम की तोड़ू दस्ता ने छावनी पुलिस बल की उपस्थिति में JCB से 2 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को ढहा दिया। इस बाजार के व्यवसायियों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत मिलने पर पूर्व में भी इन दोनों को नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके इन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया था। अवैध निर्माण अवैध रूप से निर्माणाधीन जो दुकानें जिसमें संचालित हो रही है उस पर कार्रवाई करें। मामले की बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसके तहत मेजर क्रमांक 3 की तोड़फोड़ दस्ता है उन्होंने कार्रवाई की है और 2 जो ऐसे मटर मार्केट थे जिनकी दुकानें अवैध रूप से व्यवसाय करने की जो शिकायतें आई थी उनको तोड़फोड़ करने की कार्रवाई की। निगम भिलाई जोन 3 के राजस्व विभाग और विशेष तोड़ू दस्ते की टीम के संयुक्त प्रयास से अतिक्रमण को ढहाया जा सका। तोड़फोड़ कार्रवाई में सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी, रोहित यादव, मनहरण साहू व दिनेश सहित जयंत मेश्राम आदि शामिल थे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।